दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कुछ आयनिक यौगिकों के तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 9 की एनसीईआरटी के विज्ञान के बुक में दिया गया है। अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु और हमारी सारणी है 3.5। 3.5 में क्या दिया गया है, कुछ आयनिक यौगिक दिए गए हैं और इनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमको ज्ञात करना है और किस तरह से तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात इतना है, सही है, गलत है, कैसे है, इसके बारे में हमको पता करना है। तो आयनिक यौगिक हमारा पहला यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड और इसके संगठक तत्व हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन और दूसरा और जो है इसका द्रव्यमान का अनुपात है 5:5:2। अगला हमारा आयनिक यौगिक है मैग्नीशियम सल्फाइड और इसका संगठक तत्व हैं मैग्नीशियम एवं सल्फर। इसका द्रव्यमान का अनुपात है 3:4। अगला है आयनिक यौगिक हमारा सोडियम क्लोराइड और इसका संगठक तत्व है सोडियम एवं दूसरा क्लोरीन और इसका द्रव्यमान का अनुपात है 23:35। तो इसको हमको लगाना है और समझना भी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमारा ये पहला तत्व है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड में ये हमारा घटक तत्व क्या है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड घटक तत्व है कैल्शियम, पहला तत्व है Ca कैल्शियम और दूसरा घटक तत्व है ऑक्सीजन, दूसरा घटक तत्व हमारा ऑक्सीजन और द्रव्यमान का अनुपात है 5:2। ये कैसे है, कैल्शियम का हमारा परमाणु भार होता है 40, कैल्शियम का परमाणु भार क्या होता है 40:, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता 16। अब हम इसमें क्या भाग देते हैं, 8 से दोनों में भाग देते हैं तो 8 से भाग देंगे 8 और 8 से इसमें भाग देंगे 8 × 16, तो ये कितना बचा 5 और 2, इस तरह से है 5:2 हमारा ये सही है। अगला है मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड में हमारा है MgS मैग्नीशियम सल्फाइड में इसमें मैग्नीशियम क्या है, पहला घटक है, ये घटक है मैग्नीशियम और दूसरा घटक है सल्फर, ये हमारा दूसरा घटक सल्फर है। तो मैग्नीशियम का हमारा परमाणु भार कितना होता है 24 और सल्फर का होता है 32:32। तो इसको भी हम काटेंगे 24 और 32 का अनुपात में कौन सी संख्या से भाग दें कि दोनों कट जाए, तो इसमें 3 है और इसमें 4 है तो 8 + 24 इसमें कितने से भाग दिया जा रहा है 8 से, इसमें 8 से दोनों पक्षों में 8 से भाग दिया गया और इसमें भी 8 से भाग दिया गया था। तो ये हमारा आ जाएगा 8, ये हो गया 8 + 24 8 + 32, तो 3:4, ये 3 ये और 4 ये, 3:4, इस तरह से ये हमारा 3:4 आया है जो कि सही है। अगला है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम क्लोराइड का पहला घटक है सोडियम Na और दूसरा तत्व का घटक है क्लोरीन। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमारा होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। अब इसमें कोई कटेगा नहीं, क्लोरीन का होता है 35.5 जो कि किसी से कोई कटने वाला नहीं है, इसलिए इसका उत्तर सीधा सीधा है जो कि ए भी सही है। तो इस तरह से हम कुछ आयनिक यौगिकों के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निकाल सकते हैं और पता लगा सकते हैं।